नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय हिंदी व्याकरण, आज का प्रकरण है वाक्य शुद्धि, भाग संख्या 14। छठा बिंदु है लिंग संबंधी वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अनुरूप लिंग का प्रयोग करने पर ही वाक्य रचना शुद्ध हो पाती है, पूर्ण विराम। अतः लिंग सूचक शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए संज्ञा, योजक चिह्न, सर्वनाम आदि के अनुरूप करना चाहिए, पूर्ण विराम। उदाहरण नंबर 1, मीरा भक्त कवि थी। यह वाक्य लिंग के दृष्टिकोण से अशुद्ध है। कारण, मीरा स्त्रीलिंग, कवि पुरलिंग। तो इसे देखा जाए तो स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए। सामने वाक्य को शुद्ध करके लिखा गया है, मीरा भक्त कवयित्री थी। यह शुद्ध वाक्य है, पूर्ण विराम। दूसरा उदाहरण, रमा मेरी पड़ोसी है। यह अशुद्ध वाक्य है। अब अशुद्ध किस दृष्टिकोण से? रमा शब्द है स्त्रीलिंग, पड़ोसी शब्द है पुरलिंग। इसलिए कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो यहां पर भी स्त्रीलिंग का ही प्रयोग होना चाहिए। पड़ोसी पुरलिंग के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। शुद्ध करके जब वाक्य को लिखा गया, रमा मेरी पड़ोसिन है, पूर्ण विराम। वाक्य शुद्ध है, उसके पश्चात पुनः पूर्ण विराम का उल्लेख किया गया है। सातवां बिंदु है वचन संबंधी शुद्धि। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता एवं कर्म के वचन के अनुरूप अर्थात अनुसार होता है, अल्पविराम। ऐसा न होने पर अशुद्धि आ जाती है, पूर्ण विराम। उदाहरण, उसने 2 कचौड़ी खाई। वाक्य में 2 यहां बहुवचन का द्योतक है, लेकिन कचौड़ी शब्द है वह एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस दृष्टिकोण से यह वाक्य अशुद्ध है। इसी वाक्य को शुद्ध करके लिखा गया है, उसने 2 कचौड़ियां, कचौड़ियां शब्द बहुवचन है, खाई, पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य शुद्ध वाक्य है, पूर्ण विराम। आठवां बिंदु, कारक संबंधी वाक्य शुद्धि। कारक उसके चिहन, जिसको परसर्ग कहा जाता है, भी वाक्य की शुद्धता हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, पूर्ण विराम। इनका अनुचित प्रयोग भी वाक्य को दोषपूर्ण बना देता है, पूर्ण विराम। उदाहरण, मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा। यह वाक्य अशुद्ध इसलिए है, अगर देखा जाए मैं वाक्य में कर्ता है और कर्ता के साथ इसके चिहन अर्थात परसर्ग ने का प्रयोग किया गया है और कर्ता के साथ उसके चिहन का प्रयोग किया जाता है, किंतु यहां इसका प्रयोग करना अनुचित प्रकट हो रहा है। सामने वाक्य को शुद्ध करके बताया गया, मैं इसके साथ इसका जो परसर्ग चिहन है उसको विलुप्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, पूर्ण विराम। यह वाक्य शुद्ध है। नौवां बिंदु, क्रम भंग संबंधी वाक्य शुद्धि। वाक्य रचना में शब्दों के एक निश्चित क्रम होता है, पूर्ण विराम।
उस क्रम से ही उन्हें वाक्य में स्थान देना होता है। पूर्ण विराम। ऐसा न करने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। पूर्ण विराम। उदाहरण, बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ, यह वाक्य क्रम भंग के कारण अशुद्ध हो जाता है। जबकि अगर बातचीत की जाए तो सबसे पहले कर्ता का उल्लेख, फिर कर्म का उल्लेख और सबसे आखिर में क्रिया का उल्लेख किया जाता है क्रमबद्धता के दृष्टिकोण से। तो शुद्ध वाक्य इस प्रकार से होगा, बच्चे को फल प्लेट में रख कर खिलाओ। पूर्ण विराम। शुद्ध वाक्य। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।